हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 के लिए प्रश्नमाला 10E का कुछ सवाल लेकर आया हूं। आप देखिए सवाल क्या है। महेश यादव ने अपने कृषि क्षेत्र में एक पंप लगाने के लिए सरकारी समिति से 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए ऋण के रूप में लिया। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अवधि के अंत में उसे कुल कितना रुपया लौटाने होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा कुल कितना रुपया लौटाने होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका समूल चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और समूल चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बैठाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसे कितना पैसा लौटाना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इन्होंने मूलधन कितना लगाया है। ठीक है, मूलधन कितना लगाया है, मूलधन पी बराबर 5,000 रुपया लगाया है। अच्छा, दो वर्ष के लिए ऋण लगाया है तो इसलिए 2 वर्ष समय लिख देंगे। समय बराबर एन बराबर 2 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए दर कितना है, दर बराबर दिया है आर बराबर 4%। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, समूल चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कहते हैं टोटल रुपया। इसलिए समूल चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मूलधन सहित चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कि ए कहते हैं, बराबर व्हाट, चूंकि ए बराबर सूत्र क्या है, 1P × 1+R/100 n, बस यही सूत्र में बैठाना है, इसमें बैठा के जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम कितना कितना इसमें बैठा देंगे। ए बराबर पी के जगह पे बैठा देंगे 5,000, 1+R के जगह पे बैठा देंगे, आर के जगह पे कितना है, 4 है आर के जगह पे, तो 4 बैठा देंगे, बटे 100। अब पावर कितना, 2 वर्ष के लिए है तो 2 बैठा देंगे। ठीक है, आगे जब बढ़ करके देखेंगे तो क्या होगा, 5,000, इसको काट सकते हैं क्या, 25 से कट जाएगा, तो इसका भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 26/25, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 5,000 × अब यहाँ पे देखिए 26/25 × 26/25। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जितना आएगा इसका मान, वही मान क्या लौटाना पड़ेगा उसको, 5,000। अच्छा यहाँ पे देखिए हम काट सकते हैं, इसको काट लीजिए तो 25, ठीक है काट लिया है। अच्छा काटने के बाद फिर 25 से कट जाएगा 8 बार में, 8×26×26, तो 8×26×26 अगर करें तो 26×26 होता है 676, और 8 कर लेंगे 48 के 8 बाकी 4 56 56 4 60 6 48 48 और 6 54, तो इतना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा, लिया है 5,000, लौटाना पड़ेगा 5,408 रुपया। क्लियर, तो यही रकम उसे लौटाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः नाम क्या है इसका, नाम है इसका महेश के द्वारा
महेश यादव के द्वारा लौटाया गया रकम बराबर 5408 रुपया। आंसर आगे बढ़ा जाए। देखिए अब आपके बीच एक सवाल आ गया है 9 नंबर। ये सवाल में देखिए क्या बोला, इसे बोला किसी विद्यालय के एक शिक्षक ने पटना में जमीन खरीदने के लिए जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा निगम से 12,500 रुपया ऋण के रूप में लिया और 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त किया। यदि वार्षिक ब्याज दर 8% हो तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितना होगा जबकि छमाही ब्याज दर दे है। देखिए यहाँ पे एक अलग चीज़ दिया है, वो क्या है, छमाही ब्याज दर। तो छमाही ब्याज दर का सूत्र थोड़ा अलग होता है, वो अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए मूलधन कितना हुआ, मूलधन बराबर हुआ पी 62,500 रुपया। दर कितना हुआ, दर जो है दर को आर कहेंगे 8%। समय कितना हुआ, समय एन बराबर कितना है 1/1/2%। इसको हम क्या ले सकते हैं, 3/2%। ठीक है, पूर्णांक तोड़ दिए इसको। अब देखिए जो यहाँ पे निकालने के लिए कहा है क्या कहा है कि अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि, यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की राशि, तो चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बैठा दें, सी आई बराबर पी 1+R/200। देखिए यहाँ पे छमाही जब भी दे तो R/100 नहीं बैठा के वह R/200 बैठाना है और यहाँ पे 2N बैठाना है। तो ये हो गया आपका छमाही, याद रखेंगे छमाही बैठाने के लिए, छमाही में ब्याज प्राप्त करने के लिए ये सूत्र है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर बैठाएं तो 62,500 रुपया यहाँ पे बैठेगा पी के जगह पे और 1+R के जगह पे यहाँ से देख लीजिए 8/200 और पावर 2 × यहाँ पे देखिए 3/2% है, तो यहाँ पे 3/2 ऐसे बैठाएंगे आप, अब माइनस पी यानी 62,500 रुपये, 2 कट गया, यहाँ काट देंगे 62,500 लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कटेगा 4 से, तो 4 × 8 और 4 × 5 = 20। एक बार और कट जाएगा 1 × 25, तो आएगा 1+1/25 पावर 3, कट के 3 आ गया, माइनस 62,500। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे 62,500 और यहाँ देखिए आएगा आपका 26/25, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो अब पावर 3 और माइनस 62,500। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या मिल रहा है हमको, आगे बढ़ने के बाद क्या मिलेगा, 62,500 मल्टीप्लाई इसको 26/25 करेंगे, गुना 26/25 करेंगे, गुना 26/25 करेंगे और माइनस 62,500। अब यहाँ देखिए 25 से कटेगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है,
फिर 25 से काट लीजिए इसको, 100 आ जाएगा, फिर इसको 25 से काट लीजिए, 4 आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर आया कितना, 4 × 26 × 26 × 26 और माइनस 62,500। 26 × 26 तो पता है कितना होता है, 676, और गुना फिर 26 एक आएगा, माइनस 62,500। और 26 को 6 से अगर 4 से अगर गुना करें, 6 × 24 के 4 बाकी 2 और 4 × 8, 8 × 2 = 10, और मल्टीप्लाई इधर कितना आएगा, 676 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 62,500। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आ जाता है 7,304। ये दोनों मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे इतना आएगा, अब माइनस 62,500। अब इसको अगर घटा देते हैं तो कितना आता है, 4 × 0 = 13 × 5 = 8, ये आ जाएगा कितना, 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये एक ठो घट जाएगा यानी 6 में 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 7,804 रुपया। तो ये जो 7,804 रुपया आया, यही रुपया उसे ब्याज के रूप में लौटाना पड़ेगा, अतः चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लौटाया गया रकम, बराबर 7804 आंसर। क्लियर, आज का वीडियो यहीं शेष होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।